जा रहे हैं देहरादून। तो गाइस हम भैया को भी सरप्राइज देंगे, क्योंकि भैया को नहीं पता है कि हम देहरादून आ रहे हैं। भैया कहते हैं कि मेरी राखी क्यों नहीं भिजवाई, ये वो सब लेट हो जाएगा, खुद कब पहनूंगा, ऐसा वैसा। भैया को कोई वो नहीं है कि आइडिया नहीं है कि हम आ रहे हैं। तो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है, और तुम्हें बीच बीच का व्यू भी दिखाते रहूँगी। गाइस सुबह का नाश्ता समोसा खा रही हूँ। समोसे को देख के रखा नहीं है, क्योंकि फेवरेट लगता है मुझे, मैं वह खा लेती हूँ यार। तो इतनी हालत ख़राब हो चुकी है, बाल दूर दूर लग के पूरे बाल चुभक चुके हैं क्यों। और गैस अभी मैंने आइसक्रीम खाई, बहुत अच्छी आपकी टाइम बाद। गैस मिलते हैं आपको सीधा घर, बीच में दिखाऊंगी तो एक भी बहुत प्यारा आता है, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। तो मैं आपको वीडियो दिखाने के बाद एकदम मिलती हूँ। Later. तो हे गाइस हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। वो कैसी लगी, ये नहीं रच रही थी। और हम जा रहे हैं पल्टन मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो गाइस आपको वही मिलते हैं, और देखते हैं कि क्या क्या खरीदते हैं। ठीक है, आपको मिलता है सीधा मार्केट। A few moments later. तो गाइस हम लोग पल्टन मार्केट पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और सारे लोग मेहंदी भी लगा रहे हैं अपने हाथों में, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और ये देखिए, इन मोहतरमा को कहीं भी राखी पसंद नहीं आ रही है, और दुकान के अंदर अंदर तक भी घुसने के बावजूद भी इन्हें अभी तक एक भी राखी पसंद नहीं आई। हे भगवान, भगवान भला करे इनका, हे प्रभु। और हम फिर दोबारा राखी की खोज में निकल गए, और थोड़ी देर दूर में जाते ही हमको मोर पंख दिखाई दिया, और मैंने उसमें से एक मोर पंख खरीद लिया, क्योंकि अब कृष्ण जन्माष्टमी भी आने वाला था। और गाइस यहाँ पे फाइनली इन्हें एक राखी पसंद आ जाती है, बट फिर भी वो डाउट में रहती हैं, क्योंकि उन्हें वो भी पसंद नहीं रहती, पर मजबूरन उन्हें लेना पड़ा। अब हमको थोड़ा भूख लग गई थी, तो हमने कहा कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा मोमो ठूस लिए, और यहाँ पे मैं हूँ एज़ यूज़ुअल। पेट पूजा करने के बाद हम निकलते हैं घर के लिए। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना मैं छोटी छोटी क्लिप्स ले लूँ, नाइट व्यू बहुत प्यारा था। और गाइस आप भी इंजॉय करें। हम रूम पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस मैं ये कैंडी लाई थी, इस कैंडी के ऊपर तीन हॉट थे, तो इन नालायकों ने दोनों ने खा दिया। अब बची हुई है
ये मैं खा के बताती हूँ कैसा टेस्ट हो रहा। चिंगम जैसा। सही है टेस्ट। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो सबसे पहले आप सब नू हैप्पी रक्षाबंधन। और गाइस अभी मैं छत में आ रखी हूँ। और गाइस यहाँ पे फूल भी थे छोटे छोटे। और सुबह सुबह बच्चे लोग अपने छतों से पतंग उड़ा रहे थे। मैंने कहा क्यों ना आपको भी दिखा दूँ। और गाइस बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। और गाइस मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ। 1 2 3 स्टार्ट, बूम। तो गाइस आप लोगों को मेरा डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे सबसे पहले दीदी राखी बांधना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हुई हैं। तो हम और फिर पहले दीदी राखी बांधेंगी, फिर और मैं राखी बांधूँगी। ब्लॉग में तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। लवी लवी बहुत सारा एंड हैप्पी रक्षाबंधन सभी भैया एंड बहनों को। बाय बाय। सॉरी गाइस वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया था, पर आप लोग सपोर्ट दिखाते रहना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।